जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो वो किनके वंशज हैं? वो आरएसएस, हिंदू महासभा के। तो कारण सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट नहीं है, ये जो सेंस की बात है वो इसलिए है कि देश की आजादी की लड़ाई में सबसे बड़ा योगदान जिन लोगों ने किया, उन लोगों के नामों में गांधी परिवार का नाम शुमार है। उन अच्छा, लोगों में गांधी परिवार सबसे आगे रहे। और उसमें कोई बाकी लोगों की बात भी करी जाए तो हर व्यक्ति को एक ही समान रखा जाएगा, और सबको लीड करा महात्मा गांधी ने। तो ये कारण है कि ये उनसे नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि 1942 का हमने देखा कि कैसे जब भारत छोड़ो आंदोलन बुलाया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा, तो इनके सबसे बड़े श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर को पत्र लिखते हैं कि नहीं, भारत छोड़ो मत और कांग्रेस के इस अभियान को कुचल डालो। ये लिखा था। जब एक सेना आ रही थी नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, जिसको लीड कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस, तो सावरकर कह रहे थे कि 1 लाख हिंदुओं को ब्रिटिश सेना में भर्ती कराओ उनसे मुकाबला करके, उनको हराने के लिए। तो आज जिस पटेल के बारे में ये बात करते हैं, वही सरदार पटेल है जिन्होंने गोलवालकर, इनके दूसरे सरसंघचालक को जेल भेजा था 1948 फरवरी में। सावरकर को जेल भेजा था मार्च 1948 में। क्या ये तथ्य सही नहीं है? आज ये इनको अपना बता रहे हैं। नहीं, ये केवल नफरत की राजनीति है, इसलिए राहुल गांधी पर प्रहार कर रहे हैं। और जो बात ये कर रहे हैं ना, किसके मन की बात, ये तो आप लोग अपने मन की बात सुनाते हैं, लेकिन जनता की बात कब सुनेंगे? जनता की बात अगर सुनते तो रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति थे, जब भूमि पूजन किया गया था सेंट्रल विस्टा का, उनको नहीं बुलाया गया क्योंकि वे दलित हैं, पूजा में कैसे बैठ जाते। राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को ना तो वो स्थान मिला जब इनॉग्रेशन हुआ नए पार्लियामेंट का, और ना ही उनको सम्मान मिला जब वो मंदिर में गई, गर्भगृह में नहीं गई। मगर प्रधानमंत्री की तो केदारनाथ की तस्वीरें सबको याद होगा, जो गर्भगृह में हुआ, जहां का सोना आज पीतल हो चुका है।